तो और गेमर भाई लोग क्या हालचाल, ये है सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। बहुत ज्यादा पता नहीं इसके लिए कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका गेमिंग रिव्यू करके दिखा दो, तो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं। तो ये फोन है ना Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ में आता है, बड़ी सी जायंट 6000mAh की बैटरी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जो प्रोसेसर है वो एंटीडू बेंचमार्क पर भी काफी अच्छे स्कोर दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत लोग देखना चाह रहे थे और ऑफर लगा के ये फोन 15,000 से 16,000 के आसपास हमको मिल जाता। तो वैसे ये फोन ओवरऑल मतलब अच्छा पैकेज है, जो सैमसंग के फोन पसंद करते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे मैंने इसका डिटेल रिव्यू कर दिया ऑलरेडी, टेकी पाठशाला पर पूरा डिटेल में जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको आज गेमिंग रिव्यू बताऊंगा ओवरऑल कैसा निकल कर आता है। सैमसंग इस पर है ना जो Exynos की 138 प्रोसेसर है वो सैमसंग खुद ही बनाता है वैसे, तो यहाँ पर ये जो गेमिंग अनलॉक करता है BGMI पर स्मूथ पर 60 है और 60 FPS होता है, तो आपका भाई जरूर से जरूर टेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। और ऑफर लगा के ये फोन 16,000 से 15,000 तक भी आप ले सकते हो, वरना एक्चुअल प्राइस 20,000 की इसकी निकल कर आती है। तो 1 घंटा गेमिंग भी करेंगे और 1 घंटे की गेमिंग में बैटरी कितनी ड्रॉप हुई, टेम्परेचर वगैरह का क्या सीन रहा, वो भी सब कुछ हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। Marked a location. तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट का एक्सपीरियंस था TDM के अंदर, वो मैं कहूंगा 57 से 60 वाले FPS दे रहा था, ऊपर नीचे सारी चीजें कर रहे थे, मतलब एवरेज 57 वाला FPS। तो कैजुअल गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, वहां पर थोड़ा सा बेटर काम करते हुए दिख रही थी। तो आगे इरांगल का गेम प्ले हो गया और बाकी सब कुछ है उसका, सब देख लो आप लोग, मैं एंड में आपको पूरा कंक्लूजन के साथ में मिलता हूं। तो सैमसंग M35 कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वैसे जैसे इरांगल पे फर्स्ट ड्रॉप करते हैं तो वहां पर आपको ड्रॉप वाला सीन जो FPS के साथ में जो भी रहेगा या कितने 60 रख रहा था वो सब कुछ आप देख सकते हो। वैसे हाँ, अगर आपको और भी ऐसे टेस्ट देखने रहेंगे जो और रिव्यू देखने होंगे तो कमेंट में उनको उनके नाम जरूर लिख देना। आपका भाई इसी तरीके से टेस्ट करता है हर एक फोन्स की, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तो हमने कुछ नया भी चालू किया, क्रिएट ओपनिंग और BGMI लाइव स्ट्रीम वगैरह भी चालू करेंगे हम लोग, तो वो कब टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने बजे रखनी चाहिए, कब कब रखनी चाहिए, वो भी बता देना कमेंट के अंदर, ताकि आपका और मेरा मस्त में वो वार्तालाप हो सके और हम लोग और बात कर सके वहां पे आके, तो जरूर बता देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, तो जिसमें हम लोग कस्टम वगैरह भी करने का कोशिश करेंगे और ताकि थोड़ा सा मजा आए।
vehicle is smoking. Help! भाई एक घंटे का गेमिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसने जो बैटरी ड्रॉप करी ने एक घंटे के अंदर वो 18% थी और जो टेम्परेचर ये 30 से मैक्सिमम लेकर गया 37 तक, जो कि मैं कहूंगा ओवरऑल सही देखने मिलता है। अभी अगर इसके फाइनल चीजों को लेकर समझोगे ना तो इसने FPS 50-55 भी समवेयर रखे हैं, थोड़ा बहुत 40 पे भी 45 पे भी टच होके आया तो, लेकिन इतना है कि सैमसंग का ये M35 ओवरऑल अगर मैं आपको समराइज करूँ ना तो ये फोन आप कैजुअल गेमिंग के लिए आराम से खरीद सकते हो, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। मतलब अगर आपने ले लिया है और आपको गेमिंग थोड़ा बहुत करने का मन है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। साथ में फोन के अंदर जो हीटिंग की चीज है ना उसको कंट्रोल करने के लिए जो VC चैम्बर कूलर है ना वो भी अच्छा काम कर रहा है, ताकि लॉन्ग सेशन में जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छी तरीके से देखने मिल जाए। लेकिन इतना है कि ये फोन कैजुअल गेमिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अच्छा देखने मिलता है। बाकी इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स है जैसे कि बैटरी, डिस्प्ले, ओवरऑल वन UI का एक्सपीरियंस और लॉन्ग टाइम की एंड्रॉइड अपडेट भी देखने मिलती है। तो उसके लिए अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है तो टेकी पार्सल पर डिटेल में वीडियो है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो एक और तगड़ा फोन का गेमिंग रिव्यू जो ऑफकोर्स यहां पर आपको मिलता है वो यहां से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, और कोई और फोन का वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में उस फोन का नाम लिख देना, BGMI लाइव स्ट्रीम और बाकी ओप क्रिएटिंग वगैरह जो भी रहेगी वो सब करना होगा तो कब का टाइमिंग वगैरह कमेंट में जरूर बता देना, बाकी ये वीडियो देख लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ उसके पहले एक्चुअली सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक वीडियो हो सके तो कर ही देना और शेयर कर देना किसी के साथ जो ये फोन लेना चाहता होगा उसके साथ तो जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। ये वीडियो देखो इधर ही है, बाय।